सक्सेसफुल चैनल। कैसे हो दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई ये है अपने सामने आज द आल्टो K10, जिन्हें ये अभी मारुति ने चुपचाप इसको लॉन्च कर लिया है बिल्कुल साइलेंटली। इन्हें धीरे धीरे क्या बदला है, मारुति का लोगो चला गया, अब आपको हर जगह आपको सुजुकी मिलेगा, मारुति नहीं मिलेगा। आज हम बात करते हैं आल्टो K10 की। भाई सेम इसकी की है ये, और दूसरी की सिंपल की है ये वाली। चाबी में कुछ खास बदला नहीं है मारुति ने, आल्टो में क्या बदला है वो आपको बताते हैं। तो बात करें भाई इसके फ्रंट की, सामने इसकी ग्रिल है, ग्रिल आपको हनीकॉम में पियानो ब्लैक में बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल सकते, पियानो ब्लैक ये नहीं है। चलो तो आपको नज़दीक से दिखाते हैं इसको। और ये सामने इसका बम्पर, फोग लैंप की आपको इसमें कहीं जगह नहीं मिलेगी, हेडलैम्प कुछ इसके इस तरह से हैं, ये टर्न इंडिकेटर हैं, और ये हैलोजन में इसके लैंप हैं हाई बीम और लो बीम के लिए। तो सामने कुछ सेटअप इस तरह का है, देखने से आपको सेंट्रो की मिलती जुलती लगेगी आपको। तो साइड में आते हैं, तो साइड में सबसे पहले आपको क्या मिलता है, टायर। टायर कौन से हैं, टायर मिलेंगे 145 18R13 के, एलोय नहीं है, रिम है इसके अंदर, लेकिन व्हील कैप कंपनी लगा के देती है। और इससे ऊपर चलते हैं, अभी मिलेगा आपको फेंडर पे इंडिकेटर, ये मारुति की पहचान है। आप किसी भी गाड़ी में देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ भी आपको मिलेगा। वैगनार देखेंगे, वैगनार में भी है। अभी इसके ऊपर चलते हैं, सामने आपको ओवर मिलेगा जो उसके ब्लैक कलर में, मैट ब्लैक के अंदर है, ऑटोमेटिक है नहीं, वो अंदर चल के देखते हैं। अभी आते हैं बी पिलर, ए पिलर और सी पिलर, ये सारे आपको बॉडी कलर मिलेंगे। दो हैंडल आपको वही पुराने मॉडल के अंदर मिलेंगे, जो कि इस तरह से खुलते हैं, बंद करते हैं। मारुति का दूसरा मतलब आपको दिखाते हैं हम आल्टो के अंदर, जो पहले दरवाजे बिल्कुल सिंपल से आते थे, अब एयर डायनामिक के लिए इन्होंने कुछ चेंज किया है। आपको दिख रहा होगा ये लाइनिंग ऊपर नीचे दोनों तरफ है। आप इसके पीछे की साइड चलते हैं, पीछे वाला भी सेम इसका डोर हैंडल, यहाँ इसका पेट्रोल टैंक है, और पीछे की प्रोफाइल से आपको यहाँ से देखने मिलेगा ये ब्लेनो का कुछ छोटा मोटा अवतार है, और पीछे वाली प्रोफाइल में आपको कुछ इस तरह से दिखती है। अभी आपको नज़दीक से दिखाते हैं, इंडिकेटर हैं, बैक लाइट है और ब्रेक लाइट है। यहाँ पर आपको आल्टो K10 की बैजिंग VXI प्लस वेरिएंट है, जो कि आता है 5.69 के आसपास, एक्स शोरूम है। बीच में आपको सुजुकी का लोगो, इधर इसका लॉक बूट का, और नीचे आपको आल्टो K10 की प्लेट है। हाँ, रियर पार्किंग सेंसर मिलेंगे, वो भी दो। चलिए दोस्तों, अब इसका हम बूट खोलते हैं। जब चाबी से खुलेगा, इसका बूट है, पार्सल ट्रे के साथ है, सेम साइज में आपको स्पेयर टायर मिलेगा, वही रिम के अंदर स्टेप नहीं, और इसके जो जैक वैक हैं वो पूरे इधर ही मिलेंगे आपको। सर्टिफिकेट भी मारुति देने लगी है। इसके नीचे की तरफ जाएंगे आपको, यहाँ इसका साइलेंसर, पीछे इसका टोइंग, ये इसका स्टॉप लैंप दिया गया है, और इसके अंदर रियर डिफोगर आपको नहीं मिलेगा। एक चीज़ और ख़ास मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर वही मारुति का लंबे वाला एंटेना भी देखने को मिलेगा, लंबा एंटेना मारुति की पहचान। तो बाहर से दोस्तों आपने देख ली है, अब चलते हैं इसके अंदर, अंदर से कैसे दिखती है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ड्राइवर साइड चलते हैं, डोर खोलते हैं, आपको क्या मिलता है, नॉर्मल सा बिल्कुल डोर, सिंगल टोन, कोई डबल टोन आपको नहीं है। पावर विंडो आपको मिलेगी, ये अलग जगह के दिए गए, ये एक ये बीच में चार लम्प, ठीक है। सीट कंफर्ट भी ठीक है, मैंने बैठ के देखा है, बिल्कुल ठीक लगा मेरे को। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक ठाक कुशनिंग है सीट की, सीट कवर आपको लगाने पड़ेंगे, गाड़ी लेते नहीं सीट कवर आप लगाते ही हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आप अंदर से ही सेट इसमें कर सकते हैं,
कुछ आगे पीछे दाएं बाएं इस प्रकार से। स्टेयरिंग आपको वही बिल्कुल राउंड में मिलेगा, लेकिन चेंजमेंट किया है मारुति के अंदर। इधर आपको मोड्स वगैरह दिए गए हैं, फ़ोन के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं पे, और ख़ास बात एयरबैग दिया गया है इसमें, डबल एयरबैग है। एक एयरबैग इस साइड है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। ये एयरबैग के कंट्रोल्स हैं। और इस साइड की बात करें आपको, इस साइड ऊपर साइड कोई कंट्रोल नहीं है, नीचे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल ये वाले हैं। बड़ी सी आपको स्क्रीन मिलेगी और नीचे मारुति का वही सिस्टम है जो पुरानी वाली ऑल्टो के अंदर था। यहाँ पर इसका 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, और इस साइड आपको यूएसबी एंड ऑक्स मिलेगा। ये छोटी सी जगह है आपको मोबाइल या मास्क वास्क रखने की जगह। दो कप होल्डर के साथ 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक नीचे थोड़ा वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। और पीछे की साइड आपको आर्म रेस्ट वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। एसी वेंट कुछ वही पुराने इस टाइप के, जो कि क्लोज हो जाता है और खुल जाता है। ये वाले एसी वेंट अलग टाइप के हैं, वो वाला सेम उसी साइड का है। स्टीयरिंग आपको सेट करने की कोई वो नहीं दिया गया, जैसा है वैसा ही रहेगा। और इस तरफ आपको वाइपर कंट्रोल हैं, और ये आपको लाइट कंट्रोल वही सेम जगह दिए गए हैं जो सभी में होते हैं। अभी दोस्तों इसमें लगाते हैं की। आपको इसका स्पीडोमीटर जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा सेम इसके जैसा, स्पेसो के जैसा। कुछ इसमें सिंबल दिए गए हैं। और अब देखने वाली चीज़ ये है दोस्तों, इसके अंदर आपको स्क्रीन दी गई है, जो कि इस तरह की आपको स्क्रीन है। इसके अंदर क्या क्या मिलता है, नॉर्मल आपको सब कुछ मिलता है। हम इसको बंद ही कर देते हैं। अब हमने फ्रंट से देख ली है, अब इसका स्पेस आपको चेक और करवाते हैं कि भैया आपको फ्रंट की सीट हम अपने हाइट के अनुसार कर लिया है। हाइट मेरी 5'8" है, आपको पता होगा। हाँ, अब ठीक है, अब हाइट के अनुसार हो गई है। उससे पहले मैं आपको ऊपर का सिस्टम इसमें जो दिया गया है वो दिखा देता हूँ। ऊपर में आपको सनवाइजर, यहाँ पर इसको आपको लाइट मिलती है, लाइट भी हलोजन वाली। एक छोटा सा माइक है, IRVM, डे नाइट नहीं है, नॉर्मल है। और इधर आपको वैनिटी वियर नहीं मिलता है। अब दोस्तों चलते हैं इसके बैक सीट पर। पीछे गेट खोलते ही हम आपको मिलते हैं डोर के लिए, ये लॉक अनलॉक इसका यहाँ पर है, ये वही पकड़ने की जगह। और इसकी फ्रंट विंडो पावर है, पीछे वाली मैनुअल है, नीचे आपको स्पीकर की जगह दी गई है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। पूरी 4 उंगल का गैप है, तो कह सकते हैं आप ठीक ठाक स्पेस है। यहाँ पर आपको पीछे कुछ भी नहीं मिलता, कोई लाइट नहीं मिलती। और पीछे से आपको देखने में इसका कॉकपिट कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये वाले हैंडल वही पुराने स्टाइल में, और दो आदमी का स्पेस इसमें सही है, बीच में तीसरा बंदा हम बैठा सकते हैं। हेडरूम आपको ठीक ठाक ही मिलता है, हेडरूम को आप कम नहीं बोल सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल से आप बैग रख सकते हो, आप किसकी ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा एयरबैग, बहुत अच्छी बात है मारुति ने एयरबैग दिए हैं। तो यहाँ पर अपना वीडियो पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।